वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में जो आपको 2 से 4 साल के बच्चों के साथ घर पे करनी है ताकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो। अभी चूंकि कोरोना का टाइम है तो पूरे दिन बच्चे घर में रहते हैं, तो ऐसे में क्या एक्टिविटी उनके साथ करें ताकि उनका ब्रेन का स्टिमुलेशन काफ़ी अच्छा और ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे जैसे ही हमारे 2 साल के होते हैं उसके बाद उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। बच्चे अब प्रॉपर चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, वो कूदने फांदने लगते हैं। इसके अलावा उनके लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट अब काफ़ी अच्छा होने लगता है। बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लगते हैं, अपनी बात वो समझाना शुरू कर देते हैं, सराउंडिंग से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में बच्चों के साथ किस तरह की एक्टिविटी करें ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सेंसरी स्टिमुलेशन और उनका सोशल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो मैं बोलूँगी लुकिंग इनटू मिरर। ये बहुत कॉमन है, आप बोलेंगे मिरर में देखने में ऐसी क्या खास बात है, ये किस तरह की एक्टिविटी है? तो देखिए, बच्चों के साथ आप मिरर में देखिए, जैसे ड्रेसिंग टेबल है तो वहाँ पे आप बच्चे को लेके जाइए और वहाँ पे उनको बोलिए वेयर इज़ योर नोज़ पॉइंट आउट करो, वेयर इज़ योर आईज पॉइंट आउट करो। तो एक तो आप बॉडी पार्ट्स के लिए अवेयर कर रहे हैं, फिर उनको आप उनकी आइडेंटिटी को भी उनको बता रहे हैं कि ये कौन है, ये मम्मा है, और ये कौन है, ये बेबी है। बेबी का आईज कहाँ पर है? हियर। वेयर इज बेबीज हैंड? हियर। तो यहाँ पे बच्चे जब मिरर में खुद को देखते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी से काफ़ी अच्छे से रूबरू होते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, उनका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, वो अपनी बॉडी को देखते हैं, अपनी आप को समझते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों के साथ आप साथ में ज़रूर करें। दूसरी एक्टिविटी है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में जब बच्चे एक के ऊपर एक ब्लॉक लगाते हैं तो वो बैलेंसिंग को समझते हैं, आपका कॉज एंड इफेक्ट को समझते हैं कि इसके ऊपर एक में लगाऊंगे तो गिर जाएगा, फिर वो उस हिसाब से बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, डिफरेंट फॉर्म्स वो बनाते हैं। आप देखेंगे कभी वो बहुत बड़ा सा कुछ बिल्डिंग बनाएंगे, कभी कोई ब्रिज बनाएंगे। तो यहाँ पर उनका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक बच्चों के साथ आप ज़रूर खेलें और उन्हें भी खिलवाएं। तीसरी एक्टिविटी है जो मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों को ड्राइंग करने दी। ड्राइंग लाइक आप क्रेयॉन्स दे सकते हैं, वाटर कलर दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट लेट देम डू। खासकर अगर फिंगर पेंटिंग हो तो बेस्ट हो, बिकॉज मिस सेंसरी काफ़ी स्टिमुलेट होती है। बच्चे डिफरेंट टेक्सचर को, डिफरेंट चीज़ों को छू के देख के समझते हैं और इनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है। ये थोड़ा मेसी हो सकता है बट कोई नहीं, आप बच्चे को कोई पुराने कपड़े पहना के सारे कलर्स के साथ आप उनको छोड़ दो एंड लेट देम डू व्हाट दे डू। तो यहाँ पे भी बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होता है और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चौथी जो एक्टिविटी है वो भी है मेस प्ले, यानी मैं बोलूँगी कि बच्चे को खाना आप खुद से खाने दो, जो भी चीज़ है आप बच्चे को दे दो, लेट देम डू। वो गिराते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, बट उनको आप करने दो, बिकॉज ये सेंसरी स्टिमुलेट करता है। बच्चे डिफरेंट टेक्स्चर को छू के, स्मेल से समझते हैं कि ये क्या है, फिर वो मुँह में डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों की लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप वही चीज़ उनको स्पून से खिलाते जाओगे तो बच्चे ने कभी टच नहीं किया, बच्चे ने कभी फील नहीं किया, तो उस फूड को लेके बहुत रेसिस्ट करेगा। लेकिन जब आप खुद से उनको छोड़ दोगे, थोड़ा मेस फैलाने दोगे, करने दोगे, तो आप देखेंगे वो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फूड के साथ भी उनको आप मेस प्ले करने दो। पांचवी एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी लाइक क्लाइंबिंग, जंपिंग। यहाँ पे क्या है, बच्चों की अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वो बैलेंसिंग सीखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं जब थोड़े बड़े होते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो हम उन्हें बचाते हैं, हम रोकते हैं, मना ना ये मत करो, ये नहीं करना है। आप उनके साथ ज़रूर रहिए बट लेट देम डू। वो करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, उनकी फिजिक कैसे डेवलप होगी? तो बच्चों को क्लाइंब करना, चढ़ना उतरना, कूदना फांदना, ये सभी काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। अगर आप खुद सोचिए, बच्चे अगर कभी नहीं दौड़ेंगे तो क्या जब उन्हें पहली बार आप बाहर निकालेंगे वो दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों की बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो, इसीलिए उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे। तो कूदना फांदना, बैलेंस करना इज़ वेरी नेचुरल एंड उनको आप करने दो। हाँ, लेकिन आप साथ में रहो, देखो कि वो चोट नहीं लगाएं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बबल ब्लोइंग या फिर बलून ब्लोइंग। तो यहाँ पे तो एक बच्चे ने स्ट्रेंथ डेवलप की है, बच्चों की स्ट्रेंथ आती है, बच्चे ब्लो करते हैं। इसके अलावा वो साइंस को भी सीखते हैं कि जब हम इसे फूंकते हैं, हवा भरते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है, जब उसको हम फूंकते हैं तो वो बबल्स बनता है। तो यहाँ पे भी साइंस की भी एक्टिविटी होती है और साथ में बच्चों की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को आप ज़रूर कराएं।
नेक्स्ट है आपका मड प्ले, क्ले प्ले या फिर सैंड प्ले, जो बच्चे बाहर जाके आप देखते हो गार्डन में करते हैं, कुछ वो डिग करते रहते हैं या फिर वो सैंड से खेलते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बिकॉज यहाँ भी बच्चों को जब आप फ्री इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो उनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अगर आप उन्हें कभी नहीं टच करने देंगे तो बिल्कुल भी उस चीज़ से अनजान रहेंगे। इसीलिए कभी कभी बच्चों को सैंड प्ले करने दें, एक तो उन वो मजबूत भी बनेंगे, इसके अलावा बच्चों की सेंसरी स्टिमुलेट होगी, इमेजिनेशन डेवलप होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बच्चे चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है आपका रोल प्ले। रोल प्ले को मैं बहुत इंकरेज करती हूँ। जैसे बच्चे को आप देखते होंगे कभी वो टेडी लेके उसको अपनी बेबी बनाते हैं, या फिर कभी खुद डॉक्टर बनते हैं और उसको पेशेंट बनाते हैं, या फिर कभी वो आप कि मम्मा बनना चाहेंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड, इट मीन्स बच्चे अपने सोशल इन्वायरमेंट से कुछ सीख रहे हैं, वो सोशल स्किल सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि मम्मा कैसे बोलती है या फिर डॉक्टर कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ भी बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप होती है, इसीलिए बच्चों को रोल प्ले अगर वो नहीं करते तो उसके लिए इंकरेज करें और आप उनके साथ ज़रूर खेलें। नेक्स्ट एक्टिविटी एक बहुत कॉमन है, आप बच्चों को अक्सर देखते होंगे दो चेयर को लगा के, चादर बिछा के वो टेंट बनाते हैं, या फिर पिल्लो को एक के ऊपर एक स्टैक करके वो फोर्ट बनाते हैं। तो वहाँ पे हमें गुस्सा आता है कि यार अभी तो रूम हमने क्लीन किया, फिर मेस फैला दिया। बट ये एक्टिविटी आप देखिए उनको कितना, उनका इमेजिनेशन कितना डेवलप हो रहा है। वो समझते हैं कि फोर्ट की फाउंडेशन ऐसे होती है, ऊपर एक शेल्टर होता है, नीचे हम लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को एनकरेज करें क्योंकि वो सीख रहे हैं कुछ, उनकी इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, वो चीज़ों को देख देख के उस चीज़ को कॉपी करना सीख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर बच्चे आपके ऐसा करते हैं तो बिल्कुल उनको एनकरेज करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्क्रिबलिंग। जैसे बच्चों की क्या आदत होती है, उनको आप कॉपी पे अगर दोगे कुछ लिखने तो वो नहीं लिखेंगे, लेकिन वॉल पे, बोर्ड पे, यहाँ वहाँ वो ज़रूर लिखते हैं और इस तरह से वो घसते रहते हैं, स्क्रिबल करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, यहाँ मसल जो है वो स्ट्रांग बनती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है और बच्चों की यहाँ काफ़ी लर्निंग भी होती है। तो ये है कि वॉल पे ना करें, लेकिन उनके लिए आप पर्टिकुलर बोर्ड्स आते हैं वो आप उनको खरीद के दो और वहाँ पे स्क्रिबलिंग को इनकरेज करो। उनके लिए डिफरेंट कलरफुल आप कॉपी दीजिए, कलरफुल स्केच दीजिए, क्रेयॉन्स दीजिए और उनके साथ बैठ के स्क्रिबलिंग कीजिए, फ्लोर पे कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए। यहाँ भी क्या होगा, बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होगी, स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में और ये क्रिएटिविटी डेवलप होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी ये स्टोरी टेलिंग। बच्चों को स्टोरीज तो हम सुनाते ही हैं, हम बताते ही हैं, या बच्चे डिफरेंट आजकल विजुअल मूड से भी देखते रहते हैं स्टोरी, बट आप उनको स्टोरी बोलने के लिए इनकरेज करो। आप उनको बोलो कि आप एक स्टोरी बताओ और जब वो बोलते हो तो उनको बीच बीच में आप सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होगी। जैसे बच्चे बोलेंगे कल ना ऐसा ना, तो अच्छा कल जा रही थी तो कुछ हुआ था, क्या हुआ था, फिर वो एक वर्ड बोलेंगे, फिर आप उनके साथ दो वर्ड बोलो। तो ऐसे में क्या होगा, वो लैंग्वेज प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना, एक फ्लो में बोलना, ये चीज़ें सीख पाएंगे। इसके अलावा उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, इमेजिनेशन डेवलप होगी, वो समझेंगे, स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्टिविटी भी बच्चों को आप ज़रूर कराएं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है हेल्पिंग इन हाउस कोर्स। जैसे बच्चों को आप देखते होंगे अगर आपने दूध मांगा तो बच्चे जल्दी से फ्रिज खोल के वो दूध की पैकेट को निकालने के लिए दौड़ते हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो साथ में वो आते हैं। तो आप उनको मना मत करो, वहाँ अगर वो कुछ ऐसा करे तो बिल्कुल आप उनको एनकरेज करो, बिकॉज यहाँ भी बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है बॉडी में। तो इट्स अ गुड थिंग ना, बच्चे को आप इसमें इन्वॉल्व करो। इससे क्या होगा, एक तो उनका स्क्रीन टाइम कम होगा और बच्चे कुछ नई नई स्किल सीखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम लड़के हो तुम ये मत करो, तुम लड़की हो तुम ये करो। नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं, उनको आप हर चीज़ जो भी वो करे उसमें इनकरेज करें, सपोर्ट करें, उनकी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप होने दें। और छोटे छोटे हाउस कोर्स में भी उनकी हेल्प ले, जैसे मान लीजिए अगर आप कार क्लीन कर रहे हैं, बच्चे अगर करना चाहते हैं साथ में तो बिल्कुल उनको ले जाएं, बिकॉज ये छोटे छोटे स्किल है, बच्चे देख देख के सीखते हैं और उनका बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटमेंट रहता है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको समझने दें, देखने दें क्या है, कैसे करते हैं। इससे क्या होगा, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी जल्दी वो चीज़ों को सीख पाएंगे। इसके अलावा जो और मैंने टॉयज़ बताएं, जैसे बोर्ड गेम हो गया, फिर आउटडोर टॉयज़ हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो बिल्कुल उनको सपोर्ट करें, उनके साथ लगे, खेलें और बच्चों की डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करें। तो ये आज का वीडियो है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।